अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बारिश बहुत हो रही है बाहर और अभी मैं आई हूँ किचन में क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ भजिए, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज भजिए बना लूँ। तो बाहर से तो मैं बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, बिल्कुल नहीं, मतलब 10 to 15 डेज़ के बाद एक आध बार मैं बाहर से खा रही हूँ। तो कभी बाहर जाऊँगी तो मैं बाहर का खाऊँगी, लेकिन अभी तो मैं घर का ही खा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने लिए बना रही हूँ भजिए, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था। तो यहाँ पर मेरे पास आलू अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर टमाटर के ही भजिए बना लिए हैं। तो बहुत टेस्टी होते हैं, अगर आप नहीं खाए तो आप ज़रूर ट्राई करें टमाटर के भजिए। बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना रहता है जिस तरह हम आलू के भजिए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए भजिए खा लेने के बाद फिर मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने ऑयली खाया है तो इसीलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी। और ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है, तो मैं कभी भी ऑयली फूड खाने के बाद फ़ौरन से ग्रीन टी पी लेती हूँ, क्योंकि अपने आप को बैलेंस रखना होता है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं उनके लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले दूध को गर्म कर लूँगी, और अभी मैं आपको बाहर का मौसम भी बताऊँगी। तो ये देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो गया है, और बहुत यहाँ पर ठंडी हवा भी चल रही है और बारीक बारीक यहाँ पर बारिश भी हो रही है। तो मतलब बारिश बहुत 3-4 दिन से तो यहाँ पर बारिश हो रही है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि बारीक बारीक बारिश हो रही है, शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइट लाइट बारिश हो रही है। तो बहुत सारा हैदराबाद में बहुत जगह बारिश हो रही है। तो खैर अभी यहाँ पर मेरी टी अभी थोड़ी सी गर्म है, तो फिर से मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी कॉफ़ी। अच्छा जी, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे रोज़ कमेंट करते हैं और बोल रहे हैं कि मैं उनका रिप्लाई नहीं देती, तो मैं आपका सेम टाइम में उसी वक्त रिप्लाई नहीं दे सकती, क्योंकि मैं कमेंट्स तो पढ़ती हूँ डेली, लेकिन मैं सेम टाइम में आपका रिप्लाई नहीं दे सकती। तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों का रिप्लाई मैं अपने ब्लॉग में बता दूं, तो आप लोग मुझे बहुत मतलब मेरे शॉर्ट्स और मेरे लॉन्ग वीडियोस पसंद कर रहे हैं, और मुझे और मेरे 5000 अभी सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मुझे मेरे वीडियोस को पसंद किया है और मेरे शॉर्ट्स को भी आप लोग बहुत पसंद करते हैं। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही तो यूट्यूब चलता है। तो आप लोग मेरी अभी 5000 की फैमिली हो गए हैं, और कुछ लोग मुझे मतलब बार बार कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। डेली जो सब्सक्राइबर्स मेरे कमेंट करते हैं उनके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और किसी ने मुझे, एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि आपका जो काउंटर एरिया है उसका मेजरमेंट बता दें, और फीट्स में बताने के लिए उन्होंने मुझे बोला था। तो मुझे फीट्स का हिसाब तो नहीं आता, लेकिन जो लॉन्ग एरिया है वो है 92 इंचेस, और जो बेसन का एरिया है वो है 64 इंचेस। बेसन को मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, तो वो एरिया मेरा है 64 इंच। तो आप इस हिसाब से आप अपना मेजर करके आप कितने चाहे उतने बंडल्स मंगा सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि 2 बंडल या फिर 3 बंडल में आपका जो एरिया है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कितना भी बड़ा मतलब काउंटर क्यों ना हो। तो खैर यही था आप लोगों का रिप्लाई, क्योंकि इतना ही मुझे कमेंट्स आ रहे थे। और आज की रेसिपी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टिक कबाब, बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज बनने वाले हैं। तो इसको आप स्टार्टर में भी मतलब स्टार्टर बनाकर भी इसका आप रख सकते हैं मेहमान आने पर। तो यहाँ पर मैंने 350 ग्राम जितना गोश्त ले लिया है, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं, धोकर फिर हम इसे ड्राई कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट और दही, यहाँ पर मैंने बड़े खाने का चम्मच लिया है, और पुदीना कुतमेर और हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला, और थोड़ी सी यहाँ पर मैं हल्दी डाल रही हूँ। इन सबको हम डाल कर अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, मतलब हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद, अच्छा यहाँ पर मैंने नमक डालना भूल गई हूँ, तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। मैं पकने के टाइम पर इसमें नमक डाल दी थी, तो आप अभी इसी में ऐड कर लें।
तो यहाँ पर इन सबको मिक्स कर लेने के बाद फिर हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे इसमें। तो मैं इसी बर्तन में पकाने वाली हूँ, तो मैं इसी बर्तन में पानी ऐड कर रही हूँ। फिर हम इसे रख देंगे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से गलने के लिए। तो यहाँ पर मैं 15-20 मिनट इसे इतना पकाऊंगी कि ये 90% तक अच्छे से गल जाए, फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल। तो यहाँ पर मैं कुल्फे की दाल बना रही हूँ, कबाब के साथ दाल बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं आज दाल भी बना रही हूँ। तो दाल तो बहुत सिंपल होती है, इसीलिए मैंने उसकी रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। और अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ये भी अच्छे से गल रहा है गोश्त, और गोश्त को हम इतना गलाएंगे और ये जो सारा पानी है उसको भी सूखने हम दे देंगे। तो 90% तक इस तरह से गोश्त गल जाएगा, फिर इसमें जो है ना इतना थोड़ा सा पानी रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें पानी है, बस लाइट लाइट। तो अब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को बंद कर देंगे, फिर हम करेंगे इसमें ऐड जो एक्स्ट्रा मसाले ऐड करना है, जिसको हम क्रिस्पी और करारा बनाने के लिए ऐड करेंगे। तो अब हम वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा मैदा। तो मैंने एक बड़ा चम्मच यहाँ पर मैदा ऐड कर दिया है, 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर, आधा चम्मच यहाँ पर कसूरी मेथी, आधा चम्मच चाट मसाला और फूड कलर आप अपने हिसाब से डालें, आधा चम्मच इसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा और यहाँ पर आधा चम्मच ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। तो इतने में, इतने गोश्त में मैं इतनी क्वांटिटी ले रही हूँ। आपका गोश्त कम या ज़्यादा है तो आप कम या ज़्यादा मसाले ले सकते हैं। फिर इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये गर्म है तो मैं इसको फिर से मिक्स करूँगी। तो इसको हम इतना कोट कर लेंगे ताकि सारे मसाले गोश्त को अच्छे से चिपक जाएं और ये अच्छे से कोट हो जाएं। फिर उसके बाद हम इसे स्टिक्स में पुरा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स, और हम इसे बनाएंगे अब कबाब। कबाब हम इस तरह से बना रहे हैं जिस तरह से हम बारबेक्यू बनाते हैं। तो खैर अभी हम इसको तो फ्राई करने वाले हैं। तो ये वाले स्टिक्स हैं मेरे पास, अगर आपके पास ये वाले स्टिक नहीं है तो आप टूथपिक से भी आप इसमें परो सकते हैं, क्योंकि टूथपिक में भी 2 बोटियां आराम से आ जाती हैं। तो अगर स्टिक नहीं है अगर आपके पास तो आप ऐसे भी इसे फ्राई कर सकते हैं डायरेक्ट ऑयल में डालकर। तो यहाँ पर इस स्टिक में मैं पुरा रही हूँ अभी ये बोटियाँ। तो ये कितने इसमें जाएंगे हम देखेंगे, 4 से 5 इसमें आराम से चले जाएंगे। अच्छा, अगर आप मटन का नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। इसी तरह से आपको क्यूब्स लेना है विदाउट बोन्स, और आप इस तरह से ये वाले कबाब बना सकते हैं, और आप मेहमान आने पर स्टार्टर या फिर चाय कबाब भी आप बनाकर उनके सामने सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से सारे स्टिक्स बनाकर रेडी कर लूँगी। अच्छा, एक सब्सक्राइबर ने दो या तीन सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा था कि रोट की रेसिपी शेयर करें, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो मैं वो कमेंट अभी पढ़ी हूँ तो इसीलिए मैं आप लोगों को, मतलब आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर नहीं कर सकती। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने 5 से 4-5 इसमें बोटियाँ पुराकर, जो बड़ी बोटियाँ हैं तो 4 आ रही थी और छोटी वाली 5 आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे स्टिक्स बना कर रख लिए हैं, फिर हम इसको करेंगे फ्राई। तो ये देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है ये। अच्छा जी, वहाँ पर मैं कबाब भी बना रही हूँ और यहाँ पर दूसरी तरफ मैं दाल की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए दाल अच्छे से गल गई थी तो मैंने उसको घोंट कर बॉईल होने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर उसको बघारने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं साथ ही साथ इसको बघार रही हूँ, दूसरी तरफ दाल भी पक रही है। तो हम इसको दे देंगे बघार, और फिर दाल जब रेडी हो जाएगी फिर मैं उसके बाद फाइनली मैं उसको, मतलब कबाब्स को फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पहले विंडो को ओपन कर लूँगी ताकि इसकी जो धुआँ है वो बाहर चले जाए, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको दे दूँगी बघार। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं बघार देती हूँ, ढक्कन बहुत जल्दी बंद करने से इसकी जो स्मेल है
जो स्मोक है वो अंदर ही रहेगा और दाल में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी दाल बनकर हो गई है रेडी। और ये जो बाकी इसमें रह गया है तो इसको भी मैं थोड़ी सी दाल डालकर कढ़ाई में इसको भी वापस इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए दाल की फाइनल लुक, बहुत ही यम्मी दाल बनकर हो गई है रेडी। तो चलिए अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर पैन मैंने रख दिया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल और हमें इसे डीप फ्राई करना है तो थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लगेगा। तो यहाँ पर पैन हो गया है अच्छे से गर्म, मतलब ऑयल हो गया है अच्छे से गर्म। अब हम इसमें जितने स्टिक्स जाएंगे उतने हम इसमें डालकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 स्टिक डाल दी हूँ, अभी 3-4 स्टिक्स मैं यहाँ पर डालूँगी और फिर हम इसको अच्छे से कर लेंगे फ्राई। और पलट पलट कर आपको इसे फ्राई करना है ताकि कोई भी साइड इसकी कच्ची ना हो। अच्छा, इसमें कॉर्नफ्लोर हमने ऐड किया है ना, तो वो फ्राई करने से थोड़ा सा जलता है। तो हम गोश्त फ्राई कर रहे हैं ना, तो थोड़ी देर हम रख कर पकाते हैं तो इसीलिए वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में आता है। तो देखिए यहाँ पर रेड कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो इसको पलट पलट कर हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई। और ये देखिए देखिए इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आया है। और बाकी जो 3 थे मेरे पास स्टिक्स वो भी मैं यहाँ पर कर लूँगी फ्राई। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको कर लिया है फ्राई। और अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये कैसे बने हैं। तो अगर आप इसको, मतलब बोटी अगर आप थोड़ी बड़ी भी रखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मैंने छोटी बोटी रखी थी तो ये बराबर ही हुआ है। लेकिन अगर आप बड़ी भी बोटी रखना चाहते हैं तो आप ऐसी भी रख सकते हैं। और अंदर से भी ये अच्छे से पक गया है और बाहर से भी ये क्रिस्पी हो गया है। तो ये देखिए मैंने चटनी भी बना कर रखी थी, ये पुदीने की चटनी मैंने बना कर रखी थी। अच्छा, अब चटनी की मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट्स अपलोड की है, अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं मेरे शॉर्ट में। तो ये थे आज की कबाब की रेसिपी, और आपको इंशाल्लाह मेरी कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत मज़े के कबाब बने हैं, मैं इसमें से एक टेस्ट भी कर ली। तो आपको अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप भी ये ज़रूर बनाकर अपने घर पर खिलाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। तो अभी मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।